अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं स्पेशल बिरयानी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास चावल है, हमने चावल 2 किलो लिए हैं, बनस्पति चावल लिए हैं हमने, और ये हमारे पास चिकन है, ये भी 1.5 किलो चिकन है हमारे पास, और ये हमारे पास 1/2 किलो टमाटर है, इनको हमने काट लिया था धो के। इसमें हम आलू भी शामिल करेंगे, और ये प्याज है हमारे पास, मसाला भुनेंगे तो हमने 2 डलियां प्याज की ली हैं, हरी मिर्चें और पुदीना लिया है हमने, और ये गरम मसाला है, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, और 2 चमचे हमने कुटी हुई मिर्चों के लिए हैं, और 2 ही चमचे हमने पिसी हुई मिर्चों के लिए। ये हमारे पास मसाला है बाज़ार का बिरयानी का, और ये नमक है 1/2 स्पून और 1/2 स्पून हल्दी का, और ये ऑयल हमने 2 प्यालियाँ ली थी, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये हम ग्राइंड कर लेंगे हरी मिर्चें और हर पुदीना और प्याज को फ्राई करके निकालेंगे, और ये हमने 2 प्याली भी इसमें शामिल करी है, क्योंकि चावल ज़्यादा हैं तो ऑयल भी हम ज़्यादा डालेंगे, और बाकी इसमें हमने मसाला मिला के 1/2 घंटे रखा था, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे ही मिला के रखने से, और आलूओं में हमने कलर डाला है फूड कलर, और हम इसे स्टीम देंगे आलूओं को, ये पानी ठंडा रख दिया हमने, इसमें छन्ने में हमने ये आलू शामिल कर दिए, अब हम इसे स्टीम पे रख देंगे, चूल्हा लो रखेंगे और ये टमाटरों को फ्राई करके निकाल लेंगे, वो टमाटर भी इसमें डाल देंगे और सब चीज़ें इसमें मिलाएंगे, अभी हम शामिल करेंगे, ये दही भी हमने इसमें 1 प्याली डाली थी, बहुत अच्छी और बहुत लजीज बनती है, ऐसे आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा स्पेशल बिरयानी, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, फिर आप चीज़ों को बढ़ा दें। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, हमने इसमें 2 स्पून नमक के डाले थे, क्योंकि पानी में भी हमें चावल बॉईल करेंगे तो उसमें भी हम अभी डालेंगे नमक, और ये हमने चटनी भी इसमें मिला दी पुदीना और हरी मिर्च, और इसको हमने रख दिया, ये पानी हमने रखा है, इसमें हमने 3 चम्मच नमक के डालें, और चाहे इसमें हमने तेज़पत्ता और ज़ीरा डाला है बादियानी फूल, और ये हमारे आलू जो हैं बॉयल हो गए, और ये इसमें हमने पानी नहीं डाला था, इसमें स्टीम में ही हमने इसको चिकन को गलाया था, पानी हमने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करा था, और माशाल्लाह बिल्कुल गल गया। अब हम चावलों को 1 कनी से रखेंगे गलाकर 1 कनी, और फिर हम तय लगाएंगे, ये देखिए हमारे चावल हो गए, अब हम इसको निकाल के छन्ने में पानी निकाल कर फिर हम इसको तय लगा देंगे, ये तय लगा रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत उम्दा बनी थी, सबको पसंद आई थी, आप लोग भी ऐसी बनाया करें और मुझे बताया करें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और इसे लाइक और शेयर भी किया करें, और ये दम पे रख दी हमने और डिश आउट हो गई, देखिए माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल देख का मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमने इसे देख में बनाया जबकि हमने आम पतीले में घर में बनाया। मैं आपको खुद ही बताती हूँ अपनी वीडियो, जैसे जो भी मैं कुछ बनाती हूँ मैं अपने से बनाती हूँ, जो हम घर में बनाते हैं वही बताते हैं हम आपको, तो वैसे ही मैंने आपको बताया है, और आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी, रायते के साथ खाएं इसे, हमने इसमें रायते में ना खीरा और प्याज भी बारीक मिलाई है, और हरी मिर्चें भी शामिल करी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।